मत्ती 4 उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे। उसमें लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सब बोलो आमेन। जंगल का मतलब होता है परीक्षाएं। जंगल का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां आपका विश्वास परखा जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी जेन्युइनिटी को परखा जाएगा। मैंने कहा जंगल एक ऐसा स्थान है जहां आपका टेस्ट लिया जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आपकी जेन्युइनिटी को परखा जाता है। आप सच्चे क्रिश्चियन हो या नहीं सिर्फ इसी जंगल में ही पता लग सकता है। और बाइबल कहती है जंगल में लेके जाने वाला यीशु मसीह को शैतान नहीं था बल्कि उसी परमेश्वर का आत्मा था जिससे वो जन्मा था। परमेश्वर की आत्मा ने बाइबल में लिखा, मती में पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग लिखा, लुका में पढ़ते हैं, अलग अलग पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा फोर्सफुली धक्के के साथ पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर भेजा। धक्का दिया उसको, फोर्स किया उसको कि तू जा जंगल में ताकि इबलीस से तेरी परीक्षा। कई बार परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है इन जंगल के स्थानों में, परीक्षाओं में, सताव में, दुखों में, आपको नीचा करने के लिए नहीं, आपको गर्म रखने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, नए लॉन्च पैड से एक नई ऊंचाई तक आपको लॉन्च करने के लिए, आपको स्ट्रांग करने के लिए। आप नाश नहीं होंगे, आप यीशु मसीह के लहू के साथ खरीदे गए। बाइबल कहती है कि 40 दिन और 40 रात वो निराहार यानी कुछ नहीं खाया उसने। और लिखा जब ये 40 रोजे बीत गए तब उसे भूख लगी और परखने वाले ने कहा ये पत्थरों को बोलिए क्या बन जाए। 40 दिन के बाद ही क्यों, 30 दिन के बाद क्यों नहीं उसे भूख, 10 दिन के बाद क्यों नहीं लगी, 15 दिन के बाद क्यों नहीं लगी, 40 दिन के बाद ही क्यों। लेकिन जब रोजे बीत गए तो उसे भूख लगी और परखने वाला उसकी परख करने के लिए आया। वो कब आया, जब 40 रोजे खत्म हो चुके थे और उसको मालूम था कि अब ब्लेसिंग, वो सामर्थ, वो अभिषेक बहुत नजदीक है। वो सिर्फ इतना नजदीक था कि यीशु मसीह के परखे जाने के बाद वो रिलीज होने वाले था यीशु मसीह के ऊपर। अगर आप इन अध्यायों को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इन रोजों के बाद और इन परीक्षाओं के बाद आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए वो लौटे। यानी इन रोजों में यीशु मसीह को सामर्थ्य मिली थी, अभिषेक मिला था। और शैतान ये बात जानता था कि 40 रोजे सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं, अब इन्हें खत्म कैसे करूं या मैं इन्हें व्यर्थ कैसे करूं। कई बार जब आप अपने लाइफ के पॉइंट में होते हो, आपका ब्रेक थ्रू नजदीक है, आपकी ब्लेसिंग बड़ी नजदीक है, पर आप देखते हो ये क्या हो रहा है, ये मुश्किल मुझे क्यों आ रही है, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ट्रबल अब मुझे क्यों आ रहा है। वो इसलिए कि शैतान देख चुका है कि आप पे ब्लेसिंग सिर्फ अब एक इंच का फासला रह चुका है। वो देख चुका है और जब वो देख चुका है वो ये चाहता है कि आप परख में फेल हो जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और यीशु मसीह उसे वचन से जवाब देते गए, वचन से वो बोलते गए। और बाइबल कहती उसके बाद जब शैतान चला गया यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए वापिस लौटे। यानी वो डिवाइन पर्पस, वो ईश्वरीय काम, वो ईश्वरीय बुलाहट, वो खुदा की योजना जो खुदा ने यीशु मसीह के लिए रखी थी वो पूरी हो चुकी थी। इसका मतलब अगर आप यीशु मसीह के संतान हैं आपके लिए भी एक प्लान है परमेश्वर का, उसका आपके लिए भी एक डिवाइन योजना है, ईश्वरीय योजना है। वो पूरी कैसे होगी, जब आप अपनी परीक्षाओं में सफलता के साथ पास हो जाएं। और याद रखो जब शैतान सबसे गर्म हो आपका ब्रेक थ्रू सबसे नजदीक है। जब आपकी परीक्षा वो बीमारी हो, सताव हो, गरीबी हो, जब टॉप पे चली जाए तो याद रखना मेरी बात, अगला दिन आपकी लाइफ का सबसे सुंदर होगा। आपको ये याद रखना है कि जब शैतान पूरे फुल फॉर्म में आपके पीछे, आपका ब्रेक थ्रू बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक, आपकी सांस से करीब है वो,
मैं आपको स्पिरिचुअल, आपको मैं आत्मिक रीति के साथ बता रहा हूं, आपको प्रोफेटिक रीति के साथ बता रहा हूं, आपकी टेस्टिमनी आपके करीब आ चुकी है। आपको आपको अपनी अपनी अंदरूनी आंखों के साथ उसे देखना है, आपको इन शारीरिक आंखों से नहीं देखना। आपकी टेस्टिमनी बहुत करीब है, इसीलिए शैतान डरा हुआ है, इसीलिए वो घबराया हुआ है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको आकर्षित करना चाहते हैं, आपके ध्यान को भटकाना चाहते हैं, पर आपको आपको कूल रहना है। बी कूल, रहना है कूल, कूल बेबी, क्या करना है, कूल रहना है कूल, क्योंकि टेस्टिमनी बहुत बड़ी आने वाली है। आपने यही बात याद रखनी कि 40 दिन के बाद ही क्यों, जब उसे 40 दिन के बाद ही भूख क्यों लगी, और परखने वाले ने 40 दिन के बाद ही उसे क्यों परखा, और आत्मा ने उसे भेजा जंगल में जा और तेरी शैतान से परीक्षा हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अगर आप यीशु मसीह के साथ सिंसियर हैं, सिंसियर हां, अगर आप बिल्कुल सिंसियर हैं, आप फेथ में बने रहेंगे और कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपकी वॉक, अगर आपका चाल यीशु मसीह के साथ अगर सिंसियर है, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। वैसे ही जब आप अपने मेंटर के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जब सिंसियर होते हैं, आप मसा पाते, नहीं तो लोग 10 साल रह के भी खाली बैठे हैं, क्योंकि जब तक सिंसियरिटी नहीं आएगी, आप जितनी मर्जी देर खुदा के साथ रह लो या अपने मेंटर के साथ, कोच के साथ रह लो, आप कुछ नहीं पा सकते। आपको सिंसियरिटी दिखानी खुदा के सामने, आमीन, कि आप जेन्युइनली उसको फॉलो कर रहे हैं, आप हार्डली उसको फॉलो कर रहे हैं। एक प्रेशर, एक दुख, एक झटका आपको परमेश्वर से हटा नहीं सकता। अगर शैतान आपको बीमार करने की कोशिश करेगा और आप खड़े रहेंगे, तो हीलिंग की नदियां भी परमेश्वर बहाएगा। अगर वो एक बंदे को आपके खिलाफ खड़ा करेगा और आपकी बेइज्जती करेगा, खुदा 10 लाख खड़ा करके आपकी इज्जत करेगा।